कौन सी विचारधारा की गाड़ी आगे बढ़ेगी, इन्हीं तीन महारथियों को तय करना है। क्या लगता है कितने समय तक चलेगी सरकार? अब तीन लोगों की सरकार है, तीन पार्टियों की सरकार है, उम्मीद है कि तीन दिन तो चलनी चाहिए। बिल्कुल, शिवसेना ने जो बाला साहब, अभी तक क्या होता था कि जो जिसको भी आना था शिवसेना के पास वो आता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के पास गए हैं जी। ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ था सर। आखिर कारण क्या है, ये सत्ता का लालच याद या फिर अपना आगे का वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ताकि आदित्य ठाकरे आगे और पॉलिटिक्स में अच्छे बन सके? वो अपने बेटे के आगे का फ्यूचर सेट करने में लगे हुए हैं, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। लगता है सर जो ये तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी कब तक चलेगी? पूरी सरकार 5 साल चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? 5 साल चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। पूरी 5 साल सरकार शुरू में ये सिम्टम दे रहे हैं, बाद में क्या निभाएंगे? शुरू में ये सिम्टम दे रहे हैं, बाद में क्या निभाएंगे? बीजेपी करोड़ों रुपए का, 20,000 रुपए का पर डे का कमरे लेके रह रहे हैं, किसके पैसे, उसकी पेमेंट कौन करेगा? जनता करेगी। नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय हस्तिनापुरी और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। तो आज से पहले आपने ऐसा सियासी खेल शायद ही कहीं देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की महापॉलिटिक्स में जो महाभारत हो रही है उसकी। सर, एक तरफ एक ऐसी पार्टी है शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती है और दूसरी तरफ वही पार्टी है जो श्री राम के सबूत मांगती थी। क्या कहेंगे, ये सरकार कितने टाइम तक चलेगी? देखिए, सत्ता के लालचियों का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ मिल कर ले, कहाँ दमन छुड़ा ले। ये सत्ता का स्वार्थ ही ऐसा है, सत्ता का स्वार्थ में इतना चुंबक है कि कहीं बेमेल पार्टियां आपस में मेल कर लेती हैं। न नीति है, न नेता है, न नेतृत्व है। तीन पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है। तीनों का विचारधाराएं अलग अलग हैं। एक हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हैं, एक मुस्लिम वोट बैंक के नाम पे, एक मराठा वोट बैंक के नाम पे। अब कौन सी विचारधारा की गाड़ी आगे बढ़ेगी, इन्हीं तीन महारथियों को तय करना है। क्या लगता है कितने समय तक चलेगी सरकार? अब तीन लोगों की सरकार है, तीन पार्टियों की सरकार है, उम्मीद है कि तीन दिन तो चलनी चाहिए। 72 घंटा काफी इनके लिए, 72 घंटा में कुछ बचेगा नहीं। पोल पट्टी खुल जाएगी, जनता इनको जूता लेकर फिर से धोएगी। तुम लोग बीजेपी की सरकार बन रही थी, बनने क्यों नहीं दी? सर, देवेंद्र फडणवीस ने आज ये और कहा कि जनता ने बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दी, जनता चाहती थी कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन शिवसेना ने सिर्फ अपने फायदे के लिए ये किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। जब चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था, भाजपा और शिवसेना ने, सिद्धांत और विचारधारा एक थे दोनों के, दोनों हिंदुत्व और भारत माता की जय बोलने वाली पार्टियां थी और दूसरी तरफ भारत माता से भय करने वाली पार्टियां थी। उस दौर में बीजेपी को 101 सीट मिली, 104 सीटें मिली। तो जनता ने दिखाया हम भाजपा के साथ खड़े हैं, शिवसेना के साथ खड़े हैं, हम उनके विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन पुत्र मोह में या खुद मुख्यमंत्री या स्वार्थ के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने जो अलग होके मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत दिखाई है, वो चाहत बहुत भारी पड़ेगी महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि स्वार्थ में सत्ता लोलुप होके इस तरह से जो फैसले ले रहे हैं, विचारधारा से बदल के जो समझौता कर रहे हैं, तो उससे उनकी पार्टी का ही उल्टी गिनती शुरू होगा। जनता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जनता को फिर मौका मिलेगा, वोट देने का मौका आएगा, तो इसी शिवसेना को खदेड़ देगी, सीट सीट के लिए मोहताज हो जाएगी। जी सर, शिवसेना ने सत्ता के लालच के लिए जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, उसे जो उद्देश्य था वो तोड़ दिया, कांग्रेस के साथ मिल गए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिवसेना ने जो बाला साहब, अभी तक क्या होता था कि जो जिसको भी आना था शिवसेना के पास वो आता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के पास गए हैं जी। ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ था सर। आखिर कारण क्या है, ये सत्ता का लालच याद या फिर अपना आगे का वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ताकि आदित्य ठाकरे आगे और पॉलिटिक्स में अच्छे बन सके? वो अपने बेटे के आगे का फ्यूचर सेट करने में लगे हुए हैं, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। सर, क्या लगता है महाराष्ट्र में जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार लगभग बनी गई है, जो बनने वाली है, कितने समय तक चलेगी? वक्त को किसी ने नहीं देखा है जी। आप ये नहीं कह सकते 3 दिन चलेगा या 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा जी। अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात ही खत्म कर दो जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहता है कि ऑल ओवर इंडिया में हम रहे, यही थॉट है ना, हर कोई जानता है, और इसके लिए सिर्फ आप और हम जिम्मेदार हैं, कोई लीडर जी। सर, बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है कि कितने महीने सरकार चलेगी? महाराष्ट्र इंडिया में है, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ सर। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो मैं महाराष्ट्र को लेकर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहता है कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी सरकार हो, मतलब आपके घर में अगर आप 4 भाई हैं तो एक भाई चाहता है कि सिर्फ मेरी चले, आप समझ रहे हैं सर। इसीलिए चुनाव होते हैं, इसीलिए चुनाव होते हैं जनता को डिसाइड करने के लिए। आप कह रहे हैं तानाशाही चले, क्या क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया, ये तानाशाही तो थी जी, राष्ट्रपति शासन लगा था, कब राष्ट्रपति शासन हट जाता है,
कब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, कब सर जो भी हुआ संवैधानिक तरीके से हुआ, संवैधानिक तरीका है, रात रात में राष्ट्रपति शासन लड़ता हूँ राज्यपाल सर, राज्यपाल वहाँ बैठे थे, राज्यपाल ने जो शपथ कराई, संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप सुबह या रात में शपथ नहीं करा सकते, शपथ नहीं करा सकते हो, बट रात में ऐसा कौन सा संविधान कहता है जो रात में 10 बजे राष्ट्रपति शासन लड़ता है, सुबह 5 बजे राष्ट्रपति साहब के सोते होते नहीं है, पूरे रात मतलब काम करवाते हैं। क्या लगता है सर, जो ये तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी कब तक चलेगी? पूरी सरकार 5 साल चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या 5 साल चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। पूरी 5 साल सरकार शुरू में ये सिम्टम दे रहे हैं, बाद में क्या निभाएंगे? शुरू में ये सिम्टम दे रहे हैं, बाद में क्या निभाएंगे? बीजेपी करोड़ों रुपए का, 20,000 रुपए का पर डे का कमरे लेके रह रहे हैं, किसके पैसे उसकी पेमेंट कौन करेगा? जनता करेगी। और विधानसभा का खर्चा किया बिल्डिंग के ऊपर, वो इसी काम के लिए सारे अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाने के लिए किया, तो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, 20,000 पर डे में 300 रुपए के एक दिन की एक रोटी खाते हो, उसका पेमेंट कौन करेगा? जनता करेगी। सर ये और कहा जा रहा है कि शिवसेना जो हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती थी, अब सिर्फ सत्ता के लालच के लिए कांग्रेस के साथ मिल गई है। यह शिवसेना यह मिली है, यस मिली है, लेकिन कहने का मतलब कि देखो ना, सबसे पहले तो वो कहने वाले ने बड़ा अच्छा किया है एक वोटर ने कि वोटिंग सिस्टम खत्म कर दो जी। जब जनता के वोट से सरकार नहीं चुनी जानी तो सिस्टम को खत्म कर दो ना। वोटिंग क्यों कराते हो, करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद करते हो? जब विधायकों ने सरकार चुननी है, विधायकों ने जगह डिसाइड करनी है, तो जरूरत ही नहीं विधानसभा बनाने की। होटलों में रहो, पैसा तो पब्लिक ने देना है, ऐसे में पब्लिक ही करो, तुम अपने सपने साकार करो। वर्षा सीएम हाउस में रहने की, तो अपने सपने साकार करो, ऐसे में करो। जबकि आंकड़े ये कहते हैं 40,000 रुपए एक हर एक महाराष्ट्र व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, कर्ज नहीं दोगे तो क्या करोगे, पाकिस्तान जैसी हालत बन जाएगी। सर क्या लगता है कितने महीने चल पाएगी सरकार, पूरे 5 साल चल जाएगी या फिर अभी? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। शुरू में ये हाल है, आपको पता होगा हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक होता था कि बंदा नब्ज देके सब कुछ बता देता था, तो नब्ज से अभी पता लग रहा है कि जब शुरू में नहीं बन रही तो मतलब ही नहीं, किसी कीमत पे 100% निभेगी नहीं। शुरू में नींव कमजोर है, इमारत कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर है। इतना इतिहास में 30 साल में कभी ड्रामा नहीं हुआ, ऐतिहासिक तौर पे कभी नहीं ड्रामा हुआ, सो मतलब नहीं किसी कीमत पे 30 साल में ऐसा ड्रामा नहीं हुआ। पब्लिक के वो मर रहे हैं, नीडी आदमी, किसान, वो गरीब आदमी मर रहा है, तो अपनी कुर्सियां चुनने के चक्कर में लगे हुए हो। तो महाराष्ट्र पर जनता का कहना था कि महाराष्ट्र की नींव अभी कमजोर है, इमारत हो सकता है बहुत जल्द गिर जाए, तो इसी मुद्दे पर आपकी राय चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।